हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्वेल्थ क्लास सस्टेनेबल डेवलपमेंट 9 चैप्टर स्टार्ट किया था हमने और उसके मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने देखे नहीं हैं तो पार्ट वाइज देखिए, तभी समझ आएगा। आज ये हमारा जो वीडियो है ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार ऊपर। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप ये जानते हैं कि इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी आर इंडिपेंडेंट एंड नीड ईच अदर। इन्वायरमेंट, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों एक स्वतंत्र है, परंतु दोनों क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। सो इन्वायरमेंट और इकोनॉमी एक दूसरे पे डिपेंड है। डेवलपमेंट दैट इग्नोर इट्स रीप्रिशियस ऑन द इन्वायरमेंट विल रीस्ट्रॉय इन्वायरमेंट दैट सस्टेन लाइफ फॉर्म्स। आपको पता है ये, हम डेवलपमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और डेवलपमेंट कब होता है, जब वो इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई है। सो वॉट इज़ नीडेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या दिखाया जाता है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सो डेवलपमेंट दैट विल allow all future generation to have potential average quality of life that is at least as high as that which is being enjoyed by the current generation. तो हम development ये कह सकते हैं कि जो future generation, जो हमारी generation आने वाली है, उन तक हम लोग इतनी लाइफ की क्वालिटी छोड़ कर जाएँ कि एटलीस्ट हाई हो विच इज़ बीइंग एंजॉय बाय करंट जनरेशन, कि जो अभी की जनरेशन जो काम कर रही है वो आगे तक की जनरेशन के लिए बचा रहे। सो दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज एम्फेसाइज by the United Nations Conference of Environment and Development UNCED के द्वारा ये एक बताया गया कि which defined it as development the meets the need of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet their own need। मतलब कि ये बताया गया है कि development वहाँ पर होना चाहिए जो present generation तक तो काम में लिया जाए और फ्यूचर जनरेशन तक भी उसकी नीड कंप्लीट की जाए। सो स्टूडेंट, रीड द डेफिनेशन अगेन, वापस पढ़ो इस डेफिनेशन को, क्या लिखा है इसके अंदर। यू विल नोटिस दैट द टर्म नीड, नीड मतलब आवश्यकता, कि किस ढंग से आवश्यकता हुई है किसी चीज़ की, तो वो कैसे हुई है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द फ्यूचर जनरेशन इन द डेफिनेशन द कैच फेसेस, मतलब कि जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जनरेशन, उस तक वो आवश्यकताएं कंप्लीट होती रहे। द यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट नीड इन द डेफिनेशन लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि किस नीड किस चीज़ की होती है, रिसोर्सेज की, जो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन की डिमांड को कंप्लीट कर सके। द सेमिनल रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर दैट गिव द अबाउट डेफिनेशन एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज ए मीटिंग द बेसिक नीड कौन सी होती है, रोटी कपड़ा और मकान हमारी, ऑफ ऑल द एक्सटेंडिंग और टू ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू सेटिस्फाइड देयर एस्पिरेशन फॉर अ बेटर लाइफ। मतलब कि हर गरीब या हर इंसान के लिए बेसिक नीड कंप्लीट हो जाए ताकि वो अपनी लाइफ को बेटर ढंग से जी सके। मीटिंग द नीड ऑफ द ऑल रिक्वायरमेंट और रिक्वायरीज रीडिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज एंड इट हैंस ए मॉरल इशू, वास्तव में ये एक मॉरल इशू है। एडवर्ड बारबिर है, उन्होंने डेफिनेशन दी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कि एज वन विच इज़ डायरेक्टली कंसर्नेड विद इंक्रीज द मटीरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर एट ए ग्रॉस रूट लेवल। मतलब कि हमें नीचे के लेवल से शुरू करनी चाहिए सारी आवश्यकताओं की पूर्ति का संतुलन। सो दिस कैन बी क्वांटिटेटिव मेजर इन द टर्म ऑफ इंक्रीज इनकम, मतलब कि इसका मीनिंग क्या निकला कि इनकम अगर बढ़ेगी तो रियल इनकम बढ़ेगी, एजुकेशन, सर्विस, हेल्थ केयर, सस्टेनेबल वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें क्या होगी, बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम टू डिक्रीजिंग द एब्सोल्यूट पॉवर्टी ऑफ द पुअर बाय प्रोवाइडिंग लेसिंग द सिक्योर लाइवहुड एंड द मिनिमम रिसोर्स डेप्लिएशन, कि जो गरीब इंसान है उसकी बेसिक नीड्स ये सारी अगर कंप्लीट होती है तो पुअर को पुअरेस्ट से हटाना मेन हमारा सोर्स है। सो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कल्चरल डिस्प्यूशन एंड सोशल इनस्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इन इट्स डेस्टिनेंस। इस सेंस में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट काम करता है। A development that meet the basic need of all particular the poor majorities for employment,
food, energy, water, housing, and ensure growth of agriculture, manufacture, power and services to meet their needs. ये सारी चीज़ें एक गरीब के लिए completely अगर पूरी होती है तो basic needs कहलाती है, जो कि हमें sustainable development को ऊपर उठाने में काम करती है. So the bounded जो इसके अंदर the ब्राउंडटेल लैंड कमीशन थी, जो उसने एक फ्यूचर जनरेशन के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी. दिस इज़ इन द लाइन विद द आर्ग्यूमेंट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट्स हु एम्फेसाइज दैट वी हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन बाय टू हैंड ओवर द प्लेनेट अर्थ इज गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन. दैट इज़ द प्रेजेंट जनरेशन शुड बी नीड अ बेटर इन्वायरमेंट. मतलब कि आज की जनता जो अच्छा इन्वायरमेंट यूज़ कर रही है, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन तक पहुँच जाए, एटलीस्ट वी शुड लीव द नेक्स्ट जनरेशन. जो हमारी हमें हमारे पूर्वजों ने दी है, वो कम से कम हम हमारे आने वाली जनरेशन तक रखें एज ए स्टॉक ऑफ ए क्वालिटी ऑफ लाइफ असेस नो लेस देन वॉट वी हैव इनहेरिटेड. कि हमें भी वही करना चाहिए जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं. द प्रेजेंट जनरेशन कैन प्रमोट डेवलपमेंट द एनहेंस द नेचुरल एंड बिल्ट एनवायरमेंट इन वेज दैट आर कम्प्लीटली कंपेरेटिवली विथ कन्वर्सेशन ऑफ नेचुरल असेस. ये किस ढंग से हो सकता है कि यदि हम नेचुरल जो असेस है उनको हम बचा के रखें, प्रिवेंट करके रखें उनकी, और उनको इम्पोजिशन ऑफ एडेड कॉस्ट और उनकी जो कॉस्ट और रिस्क है वो फ्यूचर जनरेशन तक हम उन्हें पूरा रखें. सो ह्यूमन डेली अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेली लीडिंग एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स जो बताते थे टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट द फॉलोइंग नीड कि हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए. बाय लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन टू लीव विद इन द केयरिंग कैपेसिटी टू द एनवायरमेंट. द केयरिंग कैपेसिटी टू द एनवायरमेंट इज लाइक ए प्लेमिन लाइन टू शिप विच इज लॉडेड टू लिमिट ए मार्क. इन द एब्सेंस ऑफ पिल्म सॉइल लाइन फॉर द इकोनॉमी द ह्यूमन स्केल गोज बियॉन्ड द केयरिंग कैपेसिटी टू द अर्थ एंड डिवाइज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो किन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है. एक तो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस पर, जो कि हम क्या कहते हैं नॉट कंज्यूमिंग, पूरी नहीं होनी चाहिए. रिनाइबल रिसोर्स शुड बी एक्सट्रेट ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस कि जो रिसोर्सेज हैं उन्हें हम अच्छे ढंग से यूज़ करें. रेट ऑफ एक्सट्रेशन शुड नॉट एक्सीड रेट ऑफ रीजनरेशन. फॉर नॉन रिनाइबल रिसोर्सेज रेट डिप्लीशन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन टू रिनाइबल सस्टेनेबल. ये चार पांच चीज़ें जो हैं ये बताई गई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजीज है वो क्या है. सबसे पहले कैसे प्राप्त किया जाता है ये. सो इसके अंदर कुछ स्ट्रेटजीज बनाई गई है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. टिल देन थैंक यू.